अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में एसबीके का जो पेपर हुआ है 20 जून 2023 को जेवीटी के लिए, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये पेपर हुआ है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम पेपर की बात करें तो इसके मोस्टली क्वेश्चन testpoint.pk वेबसाइट से आए हैं। और अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान इज़, कुरान मजीद की जो लॉन्गेस्ट सूरा है, सबसे बड़ी जो सूरत मुबारका है वो सूरा बकरा है। और सूरा बकरा जो है ये सेकंड है, दूसरे नंबर की सूरत है और लॉन्गेस्ट भी यही है। 286 इसमें आयात हैं, 40 इसमें रुकूज़ हैं और वर्स नंबर 183 में सौम यानी के जो रोज़ा है, रोज़े के बारे में जिक्र है। 183 यानी कि 286 से जो 183वां है उसमें सौम के बारे में जिक्र है। सो सूरह अल बकरा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सबसे बड़े साहिबजादे थे उनका नाम हज़रत कासिम था, दूसरे नंबर पर इनकी साहिबजादी थी हज़रत ज़ैनब, फिर हज़रत रुकैया, फिर हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातमा, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहिम। सो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद थी। और हज़रत इब्राहिम जो थे ये मारिया किप्तिया की, हज़रत मारिया किप्तिया के वतन में से थे। बाकी जो 6 औलादें थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सब हज़रत खदीजा से थी। सो हज़रत कासिम यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है जहाद वाज अलाउड इन विच हिजरा, जहाद को 2 हिजरी में फ़र्ज़ किया गया था। जहाद का मतलब होता है स्ट्राइव हार्ड, ये जहाद का मतलब होता है। 41 मरतबा जहाद का जिक्र कुरान मजीद में आया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। विच इज़ दी लॉन्ग लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में जो सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो लिवर है, लिवर यानी कि जिगर है, जिगर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच प्रेयर्स हैव नो आज़ान, कौन सी नमाजें हैं जिनमें आज़ान नहीं है। सो ये 3 तरह की जो आज़ानें नमाजें हैं इनमें आज़ान नहीं है, ईदुल फितर, ईदुल अज़ा और जनाजा, नमाज़े जनाजा जो है, फ्यूनरल प्रेयर, इसमें इन तीनों में जो है वो नहीं है, आज़ान नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है कैमरा यूजेस विच लेंस, कैमरा में कन्वेक्स लेंस, लेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, कन्वेक्स लेंस इसका करेक्ट आंसर है। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, न्यूटन इसका करेक्ट आंसर है, यही इसका करेक्ट आंसर है। बलूचिस्तान गॉट द स्टेटस ऑफ प्रोविंस इन विच ईयर, सो बलूचिस्तान को 1970 में सूबे का दर्जा मिला था जब यहिया खान की गवर्नमेंट थी, 1 जुलाई 1970 को। फर्स्ट गवर्नर जो थे बलूचिस्तान के वो रियाज हुसैन थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर अताउल्लाह मेंगल थे। और आपसे ये क्वेश्चन है कि सिंध को कब मिला था सूबे का दर्जा, इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। द सन इज़ अ स्टार, सन जो है ये एक स्टार है, सो स्टार इसका करेक्ट आंसर है। द पिक्चर ऑन द बैक साइड ऑफ 5000 रुपीज़ पाकिस्तानी नोट, सो ये फैसल मास्क की पिक्चर है, ये फैसल मास्क की पिक्चर है और ये 5000 का नोट है पाकिस्तानी, सो फैसल मास्क इसका करेक्ट आंसर है। और ये फैसल मास्क जो है ये इस्लामाबाद में है, पाकिस्तान का, पाकिस्तान की कौमी मस्जिद भी यही है। रोहतास फोर्ट नियर झेलम बिल्ट बाय, रोहतास फोर्ट जो है झेलम के करीब, ये किसने तामीर कराया था, ये शेरशाह सूरी ने कराया था। शेरशाह सूरी की अगर हम बात करें तो ये हिंदुस्तान में सूरी अम्पायर के ये फाउंडर थे और इन्होंने हुमायूं को शिकस्त दी थी, हुमायूं जो कि बाबर का बेटा था ज़हीरुद्दीन बाबर का, उसको शिकस्त देकर ये बना था, जो है बना था, कुछ सालों के लिए बना था, 4 से 5 सालों के लिए हुक्मरान बना था इंडिया में। इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था करंसी रुपए को, इंट्रोड्यूस कराया था और बहुत से दीगर काम किए थे हिंदुस्तान में इन्होंने। और इसके साथ साथ इन्होंने जीटी रोड भी इन्होंने बनाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड भी इन्होंने जो है वो तामीर करवाया था। वाखान कॉरिडोर सेपरेट्स विच कंट्रीज़, वाखान कॉरिडोर जो है ये ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को अलहदा करता है, ये एक छोटी सी नेरो स्ट्रिप है, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये वाखान कॉरिडोर है, सो ताजिकिस्तान एंड पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। विच आर्गन प्योरीफाइज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, सो ये किडनी इसका करेक्ट आंसर है, किडनी जो है ये ब्लड को प्योरीफाई करते हैं इंसान की जिस्म में, किडनी यानी कि गुर्दे, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। डियर व्यूअर्स, तो इस पेपर के चंद ही एमसीक्यूज़ हमें नेट के ज़रिए मिले हैं,
जो आप जो बाकी सवाल रह गए हैं वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उस पर क्लिक करके हासिल कर सकते हैं। ये पेपर एसबी के सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी का हुआ है और ये जो है 20 जून को पेपर हुआ है बलूचिस्तान में जेवीटी के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में। टेस्ट पॉइंट डॉट पी के बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते हैं, सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करते रहा करें। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।